वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है उनके चैनल्ड मैसेजेस, उनके संदेश, उनका जो है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका पर्सनल मैसेज क्या है आपके लिए, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। ओके, ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं सबसे पहले आप उसे देख पाए। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके व्यूअर्स, और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम देखते हैं, चलिए, कि आपके जो पर्सन है उनका क्या संदेश है आपसे, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स स्टार्ट। हम चैनल मैसेजेस भी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, ओके, और हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे। चलिए, ओके, पॉप आउट हुआ है ये कार्ड, लेट्स सी व्हाट इट इज। ओके, रिट्रीट, गॉट इट। नाउ नाउ आई जस्ट नीड वन कार्ड वन टाइम। वाओ, ब्यूटिफुल, सोलमेट, सोलमेट कार्ड आया है। वाओ, दिस कार्ड इज रोमांटिक फीलिंग्स। वाओ, ये भी यही रखते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स, इंटरेस्टिंग। ओके व्यूअर्स, तो देखते हैं कि उनका क्या पर्सनल मैसेज है आपके लिए। पहली चीज जो मुझे लग रही है कि दे आर फीलिंग रोमांटिक टुवर्ड्स यू, वो आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स रियल हैं। अगर आपको इनका प्यार सच्चा नहीं लग रहा था या इनके प्यार पर डाउट था, इफ यू वर कन्फ्यूज्ड, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग्स रियल हैं, वो बहुत ही रोमांटिकली फील करते हैं आपके लिए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लाइक अगर ये क्रश है आपके या कोई एक्स पार्टनर हैं या हुएवर ही और शी इज़, ये आपके साथ अपना रिश्ता आगे ले जाना चाहते हैं। दे जस्ट डोंट वॉन्ट टू स्टॉप इट हेयर। ऐसा भी लग रहा है दे वॉन्ट टू किस यू और लाइक दे वॉन्ट टू गेट फिजिकल विद यू, something like that, or they want to have dance with you, like they really want to have dance, वो आपके साथ dance करना चाहते हैं किसी function में या किसी romantic date या dinner पर, but they really want to have dance with you, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा dance करते हैं या वो अच्छा करते होंगे, तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी feelings को doubt ना करें, उन पर भरोसा करें, वो सच में आपके लिए feel करते हैं। तो ये ना सोचें कि आप जैसा इंसान किसी के लिए फील नहीं कर सकता। इवन यहाँ पर सोलमेट का कार्ड है व्यूअर्स, तो आप इनके सोलमेट हो सकते हैं या ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ओके, ये दोनों बातों का एक ही मतलब है। आप इनके सोलमेट हैं तो ये भी आपके सोलमेट हुए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसेज है यस दिस इज सोलमेट, तो वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर अब तक डिनाइल में थे, अब तक इस प्यार से दूर भागते थे, अब तक आपको इग्नोर करते थे अगर, तो अब वो एक्सेप्ट करने लगे हैं इस फैक्ट को कि सच में आप इनके सोलमेट हो, आप वही पर्सन हो जिसकी इनको तलाश थी या आप वही इंसान हो जिसके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहेंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है आप दोनों में से किसी के पास बेबी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, या आप दोनों में से किसी की फैमिली में बच्चे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप लोगों के हों, लाइक ब्रदर्स सिस्टर्स और कोई और कजन्स हो सकते हैं फैमिली में, लाइक इन द फैमिली, या आसपास पड़ोस में हो सकते हैं, लाइक जस्ट नेक्स्ट टू द हाउस। ओके, तो बच्चे, या फिर अगर इनका कोई बेबी है या आपका कोई बेबी है, तो ऐसा लग रहा है कि
दे आर रेडी, दे आर नॉट स्केर्ड, यानी कि वो एक दूसरा चांस लेने में डर नहीं रहे हैं। तो अगर आप में से किसी की शादी ऑलरेडी हो चुकी है किसी और से, और अगर अनसक्सेसफुल मैरिज है, अनसक्सेसफुल मैरिज, अनहैप्पी मैरिज, कॉम्प्रोमाइज्ड मैरिज है, तो आई थिंक वो उस सिचुएशन में से भी अपने आप को रिलीज करने के लिए रेडी हैं। ये भी वो आपको बताना चाहते हैं, और वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो फील करते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। They want you to sit on their lap. That's freaking romantic. They are very romantic. And both cards have pictures of kissing each other. तो यहाँ पर पैशन भी बहुत नजर आ रहा है. They are very passionate towards you. They really want to kiss you. Like they really, really want to kiss you. लगता है ये बहुत दिन से आपसे मिले भी नहीं है, काफी दिन हो गए हैं ये आपसे मिले नहीं है, तो इनका पैशन ज्यादा इग्नाइट हो रहा है और ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और इनका जो ध्यान है वो दुनियादारी से हट गया है, ये आप में इतने खो चुके हैं एज इन कि उनके फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिली है, उनके कलीग्स हैं, उनका करियर है, ऑफिस है, जो भी है वहां पर वो इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा होता, यानी कि बस कोई काम करते रहना लेकिन मन से वहां पर इन्वॉल्व नहीं होना, जैसे हम लोग स्कूल में करते थे कि मन तो लगता नहीं था, अगर कोई लेक्चर चल रहा है, कोई क्लास चल रही है, तो बस वहां बैठे हुए हैं, बने हुए हैं, टीचर के आगे सर हिला रहे हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा है वहां पर। तो ऐसा ही कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी बिजी हो, इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना, और ये आपसे कहना चाहते हैं ये बात, आपको मैसेज देना चाहते हैं, इनका संदेश है ये कि ये सिर्फ आपके इमेजिनेशन में खो गए हैं और इस वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर चुके हैं। लाइक उन्हें पता नहीं है कि दुनियादारी में क्या हो रहा है, उन्हें अपने दिल को संभालने की जरूरत है बस इस समय। ऐसा भी लग रहा है दैट दे वांट टू मैरी यू, कहीं ना कहीं वो आप में से काफी लोगों के पर्सन आपको शादी के लिए भी प्रपोज करना चाहते हैं, शादी के लिए कोई स्ट्रांग सॉलिड कमिटमेंट या ऑफर देना चाहते हैं। यू गिव दैम वेरी एंजेलिक वाइब, उन्हें लगता है यू आर लाइक अ एंजल, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक एंजल की तरह इनके जीवन में आए हैं और इनके लकी चार्म बन गए हैं। जब से आप इनके जीवन में आए हैं, ये सिर्फ इन्होंने ऐसा नहीं है फाइनेंस में या करियर में ग्रो किया है, इवन इन देयर ओवरऑल लाइफ इन्होंने बहुत ही इम्प्रूव किया है, बहुत ही ग्रो किया है। ओके, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड साउंड व्यूअर्स। तो इन्होंने आपके आने के बाद बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है अपने जीवन में, एज अ ह्यूमन बींग भी बहुत चेंज हुए हैं ये, ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो ये आपको ये सब बताना चाहते हैं, यू नो हार्ट टू हार्ट कन्फेशन की फीलिंग है, हार्ट टू हार्ट कन्फेशन करना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड आया है अलोन, तो व्यूअर्स ऐसा लग रहा है कि ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके बिना बहुत अकेले हो गए हैं, आपके बिना इन्हें बहुत इनकम्प्लीट लगता है, आपके बिना इनका जीवन अधूरा सा हो गया है, अकेलापन है, चाहे इनके कितने भी फ्रेंड्स हों, कितने भी फैमिली मेंबर्स हों, लेकिन ऐसा लग रहा है, चैनल हो रहा है मैसेज कि भीड़ में भी हूं तन्हा, ऐसा कुछ, भीड़ में भी अकेला। तो लोगों के बीच रहकर भी अकेले हैं, क्यों? क्योंकि खो चुके हैं ये आप में, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो दुनिया से तो डिस्कनेक्ट कर ही लिया है, चाहे कोई भी इनके पास हो चाहे नहीं हो, इन्हें अकेला ही लगता है। ओके, लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं और ये आपसे। यस, ओके, पास्ट लाइफ। तो व्यूअर्स यहाँ पर सोलमेट का कार्ड तो ऑलरेडी आ गया, यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्ड भी आ गया है, विच इज टेलिंग मी कि ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करते हैं, जो कि मेक श्योर करता है कि यस आप लोग सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम है, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन इनके साथ है। अब तक इन्हें ये कनेक्शन फील नहीं होता था, इस कनेक्शन की इंटेंसिटी से, इस कनेक्शन के पैशन से ये घबराते थे, लेकिन नाउ दे आर एक्सेप्टिंग, अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ आपसे कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड कनेक्शन है। तो इन्हें नहीं पता होगा कि क्या कनेक्शन है, बट हियर वी कैन सी पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, यू गाइज नोन ईच अदर बिफोर, इस लाइफ से पहले भी आप एक दूसरे को जानते हैं, तो आप सोलमेट्स हैं, और सोलमेट के कार्ड के नीचे ही
ये पास्ट लाइफ का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है, हमने क्लैरिफिकेशन लिया है तो पास्ट लाइफ का कार्ड आया है। तो आपका स्पिरिचुअल बॉन्ड है व्यूअर्स, सिर्फ इसी जीवन से नहीं, पहले से आप जानते हैं एक दूसरे को। नो नॉट मोर देन वन कार्ड, ओके। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल कंप्लीशन। तो व्यूअर्स, मैं जैसा कि आपको बताया था अभी कि वो आपके बिना अकेला, अधूरा और इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, उनकी लाइफ उन्हें ऐसी लग रही है जैसे आधी अधूरी हो, ओके। लोगों के साथ भी अकेला लग रहा है, तो यहाँ कंप्लीशन का कार्ड आया है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि उन्हें आपके साथ कंप्लीशन चाहिए, वो नहीं चाहते कि आपके और उनकी प्रेम कहानी, जो भी लव स्टोरी है, वो अधूरी रह जाए, या बाकी सारी सैड लव स्टोरीज की तरह आपका और उनका प्यार अधूरा रह जाए। दे जस्ट वॉन्ट कि आपका और उनका यूनियन हो जाए, कंप्लीशन तक पहुंचे ये रिश्ता, यानी कि अगर ये प्यार हुआ है तो ये उसके आउटकम तक पहुंचे, अगर शादी चाहते हैं तो शादी तक पहुंचे। तो ये आपके साथ इनकम्प्लीट स्टोरी में नहीं रहना चाहते, वो आपके साथ अपनी लव स्टोरी को कंप्लीट करना चाहते हैं। और अगर आपको 11-11 बहुत दिख रहा है व्यूअर्स, तो ये सारे मैसेजेस आपको वो देना चाहते हैं, इस बात का हिंट आपको मिल रहा है, इस बात का साइन आपको मिल रहा है, क्योंकि मुझे अभी 11-11 जो है नजर आया। ओके, सो दीज थिंग्स आर देयर जो वो आपको बताना चाहते हैं। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं। लेट्स सी कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं और क्या है उनका संदेश। ओके, पहले मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। योर विशेज हैव बीन हर्ड। तो व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है कि अगर आपने प्रे किया था, मैनिफेस्ट किया था इस पर्सन को, या इस चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये रियलाइज करें आप दोनों का कनेक्शन, आप दोनों के कनेक्शन की इंटेंसिटी को, आप दोनों के कनेक्शन के स्पिरिचुअल बॉन्ड को, या व्हाट वी कैन से, इसकी जो रियलिटी है कि आपका और उनका कनेक्शन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करें, डिनाई ना करें, इस चीज से दूर ना भागें। अगर आप ये प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ऐसा हो रहा है, यही है वो जो एनर्जी निकल कर आई है कि ऐसा हो रहा है। उनके अंदर चेंज आ रहा है, उनके थॉट्स में चेंज आ रहा है, उनकी फीलिंग्स में चेंज आ रहा है। ओके, माई डेज विद यू वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। माई डेज विद यू वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, यानी कि मैंने जो समय आपके साथ गुजारा था या गुजारा है, वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत समय है। द डेज माई डेज विद यू वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। ओके, इनके जीवन का सबसे खूबसूरत समय वो है जो इन्होंने आपके साथ गुजारा है, चाहे आपसे चैट किया है, चाहे आपसे कॉल पर बात की है, चाहे आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, ओके, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं, ये इनका मैसेज है कि इन्होंने आपके साथ जो समय गुजारा, वो इनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय है। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। आई वॉन्ट यू, ओके, गिव मी अ मोमेंट। सारे पिंक पिंक कार्ड आ रहे हैं। माय गॉड, आई वॉन्ट यू। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे तुम चाहिए और तुम ही तुम चाहिए, ना कोई और, ना कोई तुम्हारे जैसा, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आई वॉन्ट यू, सीधी सीधी बात कह दी उन्होंने, सीधा क्लियर कर दिया आई वॉन्ट यू। अब इससे ज्यादा क्या ही क्लियर करेगा कोई इंसान अगर वो यही कहना चाहे कि आई वॉन्ट यू, तो आप समझ सकते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। व्यूअर्स, कुछ गाने ऐसे हैं जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, तुझको जो पाया तो जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियान। तेरी हवा में बहने लगा हूं, जब से मैं तेरे दिल से जुड़ा हूं, राहों पे तेरी मैं तो चला हूं, तू मेरी मंजिल है, तेरे कदमों पे बस रुकने लगा हूं। तुझको जो पाया, सॉरी फॉर द बैड सिंगिंग, बट चैनल यही हो रहा है सॉन्ग, तुझको जो पाया तो जीना आया।
आई डोंट नो अबाउट द एक्ट्रेस फीचर्ड इन दैट सॉन्ग, मैं नहीं जानती कौन सी एक्ट्रेस इस सॉन्ग में है, लेकिन जो एक्टर हैं वो शायद इमरान हाशमी जी हैं, यस वही हैं। तो आप ये गाना सुन लीजिएगा, इस सॉन्ग चैनल हो रहा है, जब भी शायद ये गाना सुनते हैं या यू नो तो इनको आपकी याद आती है, या फिर इस सॉन्ग में जो लिरिक्स हैं वो लिरिक्स इनकी चैनल फीलिंग्स हैं, आप उस लिरिक्स को सुनकर समझ सकते हैं कि ये और क्या कहना चाहते हैं आपसे। जैसे कि तुझको जो पाया तो जीना आया, और ये बात मैंने आपसे मैसेजेस को चैनल करते वक्त भी कही थी कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं इनकी लाइफ में चेंज आया है, ये एज अ पर्सन भी बहुत ग्रो करा है इन्होंने आपकी वजह से। ओके, ये कार्ड पॉप आउट हुआ है विच इज डोंट प्रेशर मी। ओके, तो व्यूअर्स हो सकता है कि इनको किसी चीज के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है इनकी लाइफ में, और ये नहीं चाहते हैं कुछ करना, ऐसा कुछ इनसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ इनसे एडजस्टमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, या इनकी इच्छा के विरुद्ध इनसे कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ प्रेशर डाला जा रहा है इनके ऊपर जो ये नहीं चाहते। ओके, चलिए देखते हैं और क्या चैनल होता है। व्यूवर्स, आपके और इनके नाम में एच हो सकता है, आपके या इनके नाम में एम हो सकता है, एम एच, आप दोनों में से किसी के नाम में आर हो सकता है, इवन जे, आप दोनों में से किसी के नाम में जे हो सकता है, सरनेम्स आर इंक्लूडेड, ओके, टी हो सकता है, ओह माय गॉड दीज आर सो स्मॉल, टी हो सकता है एंड पी हो सकता है आप दोनों में से किसी के नाम में, एंड एस हो सकता है, एस, ओके, तो ये कुछ अक्षर हैं जो आप दोनों में से किसी के नाम में हो सकते हैं, एस पी टी जे आर एम एच, सरनेम्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, सरनेम में भी हो सकता है ये अक्षर, और देखते हैं कि ये अक्षर मुझे क्या चैनल करते हैं। टी एम एच, ये स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है, सॉरी टी एच एम, ये स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो कह रहे हैं कि देम यानी वो लोग, तो वो कहना चाह रहे हैं कि वो लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, या वो लोग मुझे यू नो कंट्रोल करना चाहते हैं, या वो लोग कुछ और चाहते हैं, तो ये कह रहे हैं देम, आई थिंक ये किसी को ब्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दे आर द रीजन, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम, ये देम कहना चाह रहे हैं, दे आर जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट समवन, दे आर जस्ट ब्लेमिंग समवन, ओके देम, और देम मतलब ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, मोर देन टू पीपल, मोर देन वन पर्सन, ऐसा है यहाँ पे, एक से ज्यादा है जो जो इनको ट्रबल कर रहा है या इनको प्रेशराइज कर रहा है। जे आर, जूनियर तो हो सकता है व्यूअर्स आप इनके जूनियर रहे हो या ये आपके जूनियर रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि आपकी एज गैप हो आप दोनों में, ओके लाइक एक की उम्र कम है, या अगर उम्र कम नहीं है तो एक काफी इमेच्योर हो सकता है, लाइक जूनियर्स की तरह छोटे छोटे जो होते हैं जब हम उसकी तरह, तो जूनियर मुझे मैसेज मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो आपको चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी देखते हैं कि आप बिल्कुल इमेच्योर हो, चाइल्ड लाइक हो, इनोसेंस है आप में बहुत, या आप रियल में इनके जूनियर थे, ओके तो ये जे आर मुझे यहाँ पर मिला है। लेट मी सी व्हाट एल्स, व्यूअर्स ये पी और आर आया है जिसकी वजह से मुझे पी आर लग रहा है, और मैं पहले भी कह रही थी कि कितने पिंक कार्ड्स आ गए हैं, तो पी आर तो मतलब दे रियली लव यू, ये प्यार करते हैं आपसे, तभी ये पी आर आया है, ओके दे लव यू, दे वॉन्ट टू से कि वो आपसे प्यार करते हैं।
एस एम एच ये जो लेटर है ये मुझे चैनल कर रहा है सो मच। तो अगर आप इनसे पूछना चाहते हैं लाइक रोमांटिकली, अच्छा तो आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, तो आई थिंक ये आपसे कह रहे हैं सो मच, लाइक आई लव यू सो मच। सो मच मैसेज आया है यहाँ पे। टी आर पी, इसमें ए नहीं है, स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है, ट्रैप लग रहा है मुझे, ट्रैप ये वर्ड चैनल हो रहा है, ट्रैप हो सकता है कि इन्हें कोई ट्रैप में फंसा रहा है। बार बार ये किसी को ब्लेम कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कोई इन्हें प्रेशर कर रहा है, और ट्रैप वर्ड चैनल हुआ है मुझे, कोई इन्हें ट्रैप करना चाहता है, तो आई थिंक ये भी चैनल हुआ है यहाँ पर, कोई ट्रैप कर रहा है या करना चाहता है। ये खुद ही देखिए मैंने साइड में किए थे बस ये लेटर्स, और खुद ही एक वो बन रहा है, वेट सी, आप ये वर्ड देख लीजिए क्या बन रहा है, एस एम जे एच, समझ अंडरस्टैंडिंग, समझ मतलब कुछ चीज समझ में आना, समझ अंडरस्टैंडिंग, तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझो, इनकी सिचुएशन समझो, इनकी परिस्थिति समझो, समझो समझ, ओके। तो लिटरली दे आर जस्ट सेइंग कि वर्ड ही आ गया कि अगर चैनल भी ना हो तो ये साफ साफ दिख जाए कि समझ, मुझे समझो या मेरी सिचुएशन को समझो। आई थिंक ये सिचुएशन इनकी प्रेशर या कंट्रोल वाली है, ट्रैप वाली सिचुएशन जो मैसेज आया था मुझे देम, ओके। तो व्यूअर्स ये थे इनके पर्सनल मैसेजेस आपके लिए, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट की है, इवन अगर 1% भी इस रीडिंग ने आपको गाइड किया है या हेल्प किया है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ, रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस एंड चैनल्ड सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊं सबसे पहले आप उसे देख पाएं, ओके। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और व्यूवर्स अगर आप मेरे को देखना चाहते हैं, लाइक मेरे को, आई नेवर यूज दैट वर्ड, ओके, तो अगर आप मुझे देखना चाहते हैं या मेरे साथ वर्चुअल फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स।